सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो आप लोगों को है मैं प्लेटफॉर्म के रिलेटेड बताता हूँ जहाँ पर आप लोग डेली रूटीन पर $5 to $10 की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर मंथली रूटीन की बात करें तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहले काम कर चुका हूँ। मैंने इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेहतर मुझे बीजू लगता था और उसी पर मैं काम करता था, लेकिन टाइम के साथ साथ समझ आई कि भाई ये भी एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है। अगर बीजू के बाद कोई प्लेटफॉर्म आता है तो वो ये प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग काम कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम कॉइनराइज है जहाँ पर हम लोग डेली रूटीन पर सेम जिस तरह के मतलब जो काम हम लोग बीजू ट्रेडिंग पर करते थे या सिग्नल ट्रेडिंग के, आप लोग जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं सिग्नल आते हैं डेली, आप सिग्नल लेते हैं उससे अपना जो है डेली रूटीन पर प्रॉफिट बनाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 4 to 5%, वो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का डेली 4 to 5% प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी मिसाल ले लें कि आपने $100 इन्वेस्ट किया तो आप $4 to $5 डेली की रूटीन पर अर्न अप कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर $100 डिपॉजिट किए थे, ये आप लोगों के सामने जो है मेरी कल की जो है इनकम है $4.2, यानी कल की डेट में मैंने यहाँ से $4.2 की इनकम की है। और यहाँ पर जो है मेरी टीम बिल्कुल ज़ीरो है, यानी यहाँ पर मैंने कोई टीम नहीं बनाई, सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट पर अर्निंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छी खासी जो है डेली रूटीन पर इनकम कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर हम लोगों को जो है 8 स्टेप होते हैं, हमारे 8 स्टेज होते हैं। यानी आप लोगों को पता होगा कि हर प्लेटफॉर्म के अंदर ना उसकी जो है मतलब स्टेजेस होते हैं, किसी के 4 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, किसी के कई होते हैं। इसके 8 स्टेज हैं, 8 स्टेज आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है अमाउंट के 8 हिस्से बनाने होते हैं। यानी जिन लोगों को सिग्नल ट्रेडिंग का पता है उनको पता होगा कि इस पर मतलब ये स्टेज क्यों ज़रूरी होते हैं। स्टेज इसलिए ज़रूरी होते हैं भाई, यानी अब फ़र्ज़ कर लें मैंने यहाँ पर $100 इन्वेस्ट किया तो ये मुझे 100 के ना 8 स्टेज बना कर दे देगा। ये मेरा पहला स्टेज है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है और आठवां है। अब ये जो 8 स्टेज है ना मेरे, इन्हीं स्टेजेस पर मैं काम करूँगा। यानी ये इस तरीके से बनाए जाते हैं स्टेज कि भाई अगर पहला ये वाला सिग्नल आया आप लोगों को वहाँ पर प्लेटफॉर्म की तरफ से और ये अमाउंट आपने लगाई 0.3, ये लॉस होगी, तो अगली नेक्स्ट अमाउंट जो आप लगाएंगे 0.6 होगी, जो पिछले लॉस को भी कवर करके लाएगी और आपका प्रॉफिट भी जो है लेकर आएगी। सो समझ आ गई आपको इस चीज़ की। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये 8 स्टेप का प्लान है, इस सिस्टम पर आप लोगों ने 8 स्टेज बनाकर आप लोगों ने काम करना होता है। इस कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिस्टम का ज्वाइनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने 8 स्टेज बना के आप लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको नीचे डाउन में ना बिल्कुल आप यहाँ पर जहाँ पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है इसकी बिल्कुल सीध में नीचे देखें तो एक ब्लू कलर्स की 2 कैंडल्स हैं, इन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप लोगों को ना इस जगह पर ये आप लोगों को जो है ट्रेडिंग चल रही है लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपने ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। इस जगह पर यहाँ पर ये इथीरियम है, हम लोगों ने BTC पर क्लिक कर देना है। BTC पर हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों ने सिग्नल लेने होते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं मौजूद हैं, बिग स्मॉल ओड इवन, बिग ओड स्मॉल ओड, बिग इवन स्मॉल इवन, तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारी जो ट्रेडिंग है जो हम 8 स्टेप में यहाँ पर करते हैं उसके सिग्नल जो है यहाँ पर इन ऑप्शंस में आते हैं, ये बिग स्मॉल ओड इवन, ये जो 4 ऑप्शंस है ना इनमें हमारे सिग्नल आते हैं। सिग्नल ग्रुप लिंक जो है वो भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, वो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है ग्रुप ज्वाइन करना होगा व्हाट्सएप का, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करके आप लोगों ने डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ से आप लोगों को जो है मैं सिग्नल ग्रुप लिंक दे दूंगा। ठीक हो गया, अब जो है मैं सिग्नल ग्रुप लिंक पर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि सिग्नल आते किस टाइम हैं और सिग्नल लेने किस तरह से जो है ना हमने होते हैं। अच्छा जी यहाँ पर जो है ये रहा इसका सिग्नल ग्रुप लिंक, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिग्नल का टाइम टेबल बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं ना भाई, एक आते हैं दोपहर के 1 बजे, मतलब पाकिस्तान के टाइम की बात करूँ, दिन के 1 बजे सिग्नल आते हैं। और जो सिग्नल है वो तकरीबन टाइम ड्यूरेशन बताऊँ तो 2 बजे तक चले जाते हैं, ये 1:40 पर ख़त्म हो जाते हैं, कभी कभी जो है 1:50 पर ख़त्म होते हैं, मतलब 1 घंटे का एक सेशन होता है। 1 बजे से 2 बजे तक आपने माइंड रखना है। दिन के 1 बजे एक सिग्नल आते हैं, एक रात को 9 बजे सिग्नल आते हैं। रात को जो 9 बजे सिग्नल आते हैं वो भी 1 घंटा तक चलते हैं, 9 से 10 तक चलते हैं, 9:40 तक चलते हैं। तो इसके सिग्नल आते किस तरीके से, देखें इसका जैसे ही यहाँ पर देखें ना कल दोपहर के 1 बजे तो इसने कहा कि स्टार्ट सिग्नल, मतलब सिग्नल स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोग रेडी हो जाएं। यहाँ पर सिग्नल आया, इसने कहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, हमारा जो है ऑलरेडी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट है। इसने यहाँ पर कहा कि इवन सेलेक्ट करें, ये देखें इवन, और अपनी जो है अमाउंट का जो है स्टेज 1 लगा दें। अब हमारी अमाउंट का स्टेज 1 कैलकुलेटर ने क्या बताया था, 0.3। मैं यहाँ पर आऊँगा और इसने ऑप्शन कहा कौन सा कहा था, इवन, यहाँ पर आऊँगा इवन सेलेक्ट करूँगा, इस पर जो है अपना 0.3 जो है लिख के ट्रेड पर क्लिक करूँगा और ये नीचे फिर ट्रेड लिखा हुआ है, इस ट्रेड पर क्लिक करूँगा और तो मेरी ट्रेड लग जाएगी। और ट्रेड लगने के बाद मुझे जो है 5 मिनट के बाद मेरा रिजल्ट मिल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उस प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए माई रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होता है।
ये यहाँ पर ना आपको शो हो जाता है कि आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इवन या ओड, स्मॉल, बिग, कोई भी ऑप्शन था, वो जब प्रॉफिट करता है तो आप लोगों को आपकी जो अमाउंट है ना प्लस में और ग्रीन में नज़र आती है। ठीक है, इसका मतलब आपका सिग्नल विन हो गया। आप दोबारा जाएंगे इस पर और दोबारा जाने के बाद जो नेक्स्ट सिग्नल है वो देखेंगे। अब फर्ज़ कर लें सिग्नल नेक्स्ट जो है वो ये बता रहा है कि बिग है। अब देखें कल ये वाला सिग्नल तो लॉस हुआ था, ये ऊपर बता भी देते हैं उस रिजल्ट का कि भाई वो आपने जो ये ऊपर सिग्नल लगाया था ना इवन वाला फर्स्ट सिग्नल, ये लॉस हुआ है। अब आप जो है अपने अमाउंट का स्टेज टू लगाएं और ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, बिग। अब मैं यहाँ जाऊँगा, ये देखें 0.6 है, मैं यहाँ जाऊँगा इस पर सिस्टम पर और यहाँ पर जो है बिग सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है 0.6 लिख के ट्रेड पर क्लिक करके ट्रेड लगा दूंगा। फिर 5 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विन होता है तो भाई उसी टाइम जो है ये देखें ये यहाँ पर कल सिग्नल विन हो गया था। फिर जो है इसने कहा ओड सेलेक्ट करें और अपने स्टेज वन के अमाउंट लगाएं। मतलब इसी तरीके से ये सिग्नल चलते रहते हैं, ये बड़े सिंपल से आसान से सिग्नल है। कभी इवन दे देता है, कभी स्मॉल दे देता है, कभी बिग दे देता है, कभी ओड दे देता है। तो ये इस तरीके के सिग्नल हैं। ये तकरीबन देखें 1:50 पर जो है ना ट्रेड एंड हो गई थी और एक ट्रेड से हम लोगों ने अपनी अमाउंट का 2% प्रॉफिट किया। दूसरा जो सिग्नल था जो रात को 9 बजे आया, उससे भी हमने तकरीबन जो है 2.5% का प्रॉफिट किया, यानी 4.5% हम दिन में अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, या 5% आप कह लें, कमा सकते हैं बड़े आसान तरीके से। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं $100 पर यहाँ पर आराम से $5-4 डेली का कमा रहा हूँ। मिनिमम विड्रा की बात करूँ इस प्लेटफॉर्म पर तो आप लोग जो है मिनिमम विड्रा जो है वो आप लोग यहाँ पर जो है कर सकते हैं। $5 का मिनिमम विड्रा हो जाता है, $1 की ट्रांजैक्शन फ़ी है और यहाँ पर रिचार्ज और विड्रा ओनली USDT में होता है। आगे जाकर जो है वो इसके अंदर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि करेंसीज जो है मौजूद हैं, ये PKR भी मतलब मौजूद है, इजिप्ट करेंसी भी मौजूद है। विड्रा आप यहाँ पर जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में भी ले सकते हैं, USDT में ले सकते हैं और जो है मतलब दो करेंसीज़ में ले सकते हैं, लेकिन PKR का भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। वो जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मेरे साथ साथ काम करते हैं, उनको अपडेट करता रहता हूँ कि भाई अब ये सिस्टम का ये सही हो गया, आप लोग इसमें विड्रा कर सकते हैं, इसमें रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब भी जो इसकी ऑफिशियल विड्रा और रिचार्ज की जो चीज़ है ना वो सिर्फ और सिर्फ USDT है। विड्रा भी USDT में होगा, रिचार्ज भी USDT में ही होगा। ठीक हो गया, मिनिमम रिचार्ज $5 है, कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनसेशन के लिए। मतलब लॉस हो जाए तो आपको आपके अमाउंट का जो है ना कंपनसेशन लेने के लिए जो चीज़ मतलब ज़रूरत होती है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है बता देता हूँ। कंपनसेशन आप लोगों का मिनिमम डिपॉजिट $5 आपने किया है, $10 किया है, या $30, $20, जितने भी डॉलर किए हुए हैं, ठीक है, आपको उसका टोटल अमाउंट का जो है ना 52% रिटर्न मिलता है कंपनसेशन में। यानी आप लोगों का $100 इन्वेस्ट है, अगर इनके सिग्नल से लॉस हो जाता है तो आपको आपके अमाउंट के अंदर से जो है $52 रिटर्न कर दिए जाएंगे और बाकी जो $48 हैं, $48 ही कह सकते हैं, वो लॉस हो जाएंगे। और उसको जो है कवर कैसे करना है वो सारी चीज़ें, मतलब बैकअप स्ट्रेटजी, वो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को हमारे ग्रुप्स पर मिल जाती हैं। वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ कि कोई बंदा अगर इस प्लेटफॉर्म पर काम करता है और इनके सिग्नल लेता है इस ग्रुप के, इसका जब लॉस होगा ना तो ये आपको आपके अमाउंट का, इनके अगर आपने सिग्नल एक्यूरेटली और जो है परफेक्टली फॉलो किए होंगे तो ये आपके आपके टोटल अमाउंट का 52% जो है कंपनसेशन दे देंगे विदाउट एनी वो क्या कहते हैं कंडीशन, कि आपके इतने मेंबर हों, इतना आपका ये हो, वो कुछ भी नहीं। आपका इतना डिपॉजिट हो, आपका डिपॉजिट चाहे $5 है, $10 है, $100 है, $1,000 है, जितने भी डॉलर है, आपको आपका जो कंपनसेशन है वो विदाउट एनी जो है वो कंडीशन मिल जाएगा आपके अमाउंट का 52%। तो कंपनसेशन की भी जो है यहाँ पर बात होगी, उसके अलावा प्रॉफिट की भी बात होगी, उसके अलावा यहाँ पर मिनिमम विड्रा जो है वो भी आप लोगों को बता दिया कि मिनिमम $5 का विड्रा ले सकते हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कई लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर सेल्फ ट्रेड करना चाहते हैं, अपना जो है अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, तो भाई वो लोग भी यहाँ पर जो है ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड के अंदर इथेरियम का ये वाला ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर जो है आप लोग अपनी मतलब ग्रीन ये ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सेल्फ ट्रेड पर भी कंपनसेशन है, लेकिन सेल्फ ट्रेड मैंने ना आज तक किसी को रिकमेंड की है किसी प्लेटफॉर्म की, ना ही मैंने आज तक, मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, अगर उस पर पैसा कमाना है ना, तो सिर्फ एक ही जरिया है, वो है सिग्नल ट्रेडिंग। सो सिग्नल लें और इससे प्रॉफिट करें। बाकी अगर बीजू के बाद कोई प्लेटफॉर्म आता था ना जो मार्केट के अंदर अच्छा है, पुराना चल रहा है, सही चल रहा है, तो वो भाई यही प्लेटफॉर्म आता था जो प्रमोट किया जा सकता था, तो मैंने इसी को ही प्रमोट करना अच्छा समझा। आई रिकमेंड कि आप लोग मार्केट के अंदर अगर कोई सही प्लेटफॉर्म है तो वो एक CoinRise है, तो बेटर है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, इस पर इन्वेस्टमेंट करें और आप लोग जो है इससे अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट करें। तो आज